हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस कैसे हो सारे कुडी कैंडी। गाइस आज हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं, और गाइस जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो पहले पार्ट वन देख लिया ताकि उससे थोड़ा सा स्टोरी समझ में आए कि पार्ट वन में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई। पार्ट वन में गाइस मेनली जो चीजें होती है आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। पार्ट वन में गाइस हमने एक दो पेट वगैरह पाले थे, और कुछ हमने छोटा मोटा बिल्ड कुछ नहीं बिल्ड किया। हम लोग ने सोचा था कि घर वगैरह बनाए, और गाइज घर वगैरह फिर हम नहीं बना पाए, और हमने थोड़ा बहुत एरिया सेव कर लिया था। हम लोग लेवल 2 फेस पे नहीं पहुंचे थे अभी तक। और जिसको नहीं पता ये वन ब्लॉग सीरीज, आपने वीडियो पे टाइटल देख के क्लिक किया होगा वैसे तो चलो गाइज आगे देखते हैं क्या होगा अभी। तो गाइज सबसे पहले मैं नॉर्मली अपने वर्ल्ड में वापस एंटर हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस वगैरह किया था, और उसके बाद गाइज मैं अपने शिप को साइड करके अपना वापस शुरू कर देता हूँ अपना काम धंधा शुरू करते करते। फिर मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि काम धंधा तो अच्छा खासा मेरा चल ही रहा था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड किया फिर से गाइज। और ग्राइंड करते करते मैंने थोड़े बहुत टूल्स वगैरह और जमा किए। मैंने बीच में गाइज मुझे 2 चिकन मिली जिसमें से एक नीचे गिर गई। शुरू किया ग्राइंड शुरू करते करते गाइस, फिर मैं सोच रहा था कि मैं लेवल 2 के फेस तक कब पहुंचूंगा। लेवल 2 के फेस तक तो मैं अभी तक नहीं पहुंचा गाइस, जैसे कि आपको देख ही सकते हो आप। लेवल 2 के फेस पे पहुंचना गाइस उतना भी आसान नहीं है वैसे तो, आपको ये बात पता ही है। और गाइस उसके बाद नॉर्मली मैं फिर से ग्राइंड कर ही रहा था, और ग्राइंड करते करते फिर गाइज मुझे सूझा कि मैं थोड़ा एरिया एक्सटेंड करता हूँ अपना। और गाइज मैंने देखा कि मैं पहले एक फार्म टाइप का बनाने वाला था, लेकिन गाइज फार्म के लिए फिर मेरे पास वीट सीड्स नहीं थे। और फिर मैं सोचा कि गाइज हमारे जो इतने सारे एनिमल्स हैं इनके लिए कुछ एक छोटा सा वो बनाता हूँ, पहले फेंस वगैरह लगा के एक छोटा सा क्या कहते हैं फंस गया सी है। जो भी कहते हैं ये बना देता हूँ ताकि कि ये वहाँ रुके, क्योंकि गाइस जब भी मैं ग्राइंड करते करते ये माइन बोलते हैं या क्या वो, जब मैं आइटम्स वगैरह लेता हूँ तब गाइस ये बार बार बीच में आते रहते हैं और बार बार मुझे परेशान करते हैं। तो मैंने सोचा इन्हें धीरे धीरे करके उस साइड में लेके जाता हूँ। फिर मैंने इन 2-3 को तो लेके गया, और फिर एक ने मुझे बीच में गुस्सा भी दिलाया था क्योंकि वो आ नहीं रहते यार, बार बार बड़ा दिक्कत हो रहा है इन लोगों को बुलाने में, आप देख ही सकते हो। और फिर मैंने लगभग 4 को तो बुलाया, और वो एक शिप ने मेरा काम ख़राब कर दिया, फिर उसे नहीं बुला पाया। और फिर मुझे 2 चिकन और मिली, और सारे चिकन को मैंने बहुत मुश्किल से रख दिया। और उसके बाद गाइस वापस मेरा ग्राइंड शुरू हो गया, और ग्राइंड शुरू होने के बाद तो भाई शुरू हो ही गया था कि करते करते फिर मैंने 1-2 शिप को मार दिया। मुझे बेड बनाना था, मेरा बेड नहीं बना था, और मैं फिर सोच रहा था वो टॉर्च जो हमने एपिसोड 1 में उस साइड लगाई थी वो मैं वापस लेता हूँ, लेकिन गाइस मैंने वो टॉर्च वहीं उस टॉर्च को उठाते वक्त मैंने देखा कि वो टॉर्च ही गिर गया। उसके बाद गाइस टाइम आया लेवल 2 का फेस अचीव करने का। फिर मैं सोच रहा था यहाँ 4 ब्लॉक में रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैंने रिप्लेस कर दिए 4 ब्लॉक, टाइमर शुरू ही था। और उसके बाद फिर अचीवमेंट अनलॉक नहीं, साइड में मैसेज आता है कि फेस 2 पे हम लोग पहुँच गए, द अंडरग्राउंड नाम है जिसका। फिर गाइस हमें फाइनली कॉबलस्टोन वगैरह मिला, आयरन मिला, वुडन वुड वगैरह मिला, और फिर एमिथिस्ट मिला हमें, और हमें कॉपर वगैरह बहुत ज़्यादा मिला। क्लाइमेक्स अभी बाकी है, कॉपर तो मिलते रहता है। और उसके बाद कुछ जॉम्बी मिले हमें ख़राब, आखिरकार कुछ खराब जॉम्बी मिले हमें। और फिर कोल वगैरह बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मिला गाइस हमें। फिर मैंने जॉम्बियों को मार मार के गिरा, एक लेदर का कैप मिला जो मैंने पहन लिया, जिसे पहन के मैं बड़ा खुश हुआ। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा एरिया और एक्सटेंड किया, और मैं उस साइड सोचा मैं एक फार्म बनाता हूँ, छोटा सा थोड़ा सा फार्म जिसमें मैं सीड्स वगैरह जो मुझे 2-3 सीड मिली है वो मैं लगाऊं बस, ताकि कि वो उग जाए। और गाइस धीरे धीरे ये काऊ वगैरह को भी तो फिर वो करना होगा। उसके बाद गाइस वापस ग्राइंड शुरू होते होते मैंने बीच में सैपलिंग वगैरह लगाई, एक क्रीपर भी आया था मैंने उसे भी उड़ाया बीच में। और गाइस उसके बाद फिर मैंने अपने आइटम्स वगैरह फिर से स्टोर किए, और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे फेंस वगैरह लगाया मैंने,
जहाँ पे हम लोग ये लेते हैं आइटम्स वगैरह, फिर दो बनी आए जिसमें से एक बनी कूद गया खुद से, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर माइन करते करते, माइनिंग बोलेंगे क्या इसे, नहीं माइनिंग नहीं, जो भी है ये ग्राइंड करते करते गाइस, फिर मुझे अजीब चीजें मिली रही थी, फिर मैं साइड में सोचा अपना भी एक हाउस बना लेता हूँ, एक छोटा सा हाउस। एक बार ये सब मिनी बना रहा हूँ गाइस, बाद में मैं एक कैसल तक बनाऊंगा इसमें, आप चिंता मत करो। और उसके बाद फिर मैं ग्राइंड करते करते देखो गाइस अचानक से दो ज़ॉम्बी आए, जिससे देख के मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया। मैं नॉर्मली मार रहा था उन्हें, लेकिन देख सकते आप ये पिक जैसे ही बीच में आया मैंने उसे एक शॉट दिया, वो एक शॉट मिस हो गया। और पता नहीं गाइस कितने शॉट लग रहे थे, मैं पीछे शिफ्ट मैंने दबा तो रखा था, लेकिन शायद उन्होंने मुझे जंप करके गिरा दिया और मेरे साथ सबसे खराब हुआ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। A few moments later, आधे से ज्यादा जो रेयर आइटम थे मेरे इन्वेंट्री में थे वो सब गिर गए। अब गाइज आपको पता होगा कि हमारे पास चार लाइफ ही बाकी है, क्योंकि पांच टोटल होती है। और गाइज उसके बाद एक मेरा मिस हो चुका था, मिस क्या गया, एक लाइफ का टाटा बाय बाय हो गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और उसके बाद वापस शुरू ग्राइंड। और फिर मैंने सोचा गाइज ऐसा करते हैं कि जैसी कोई गंदा ज़ॉम्बी या कुछ आए तो मैं धक्का मार के पीछे गिरा सकूं डायरेक्टली बिना कोई रिस्क के। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता गाइस, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत कम लाइफ मिलते हैं, उससे थोड़ा बहुत एक्सपी मिलेगा वो गाइस जब हम आर्मर बना लेंगे, तब मैं ये सिस्टम हटा दूंगा ताकि कि उन्हें मारे तब एक्सपी मिले। और ये सब करते करते गाइस फिर मैंने थोड़े आयरन्स वगैरह बनाया। और जैसे कि आपको पता है एपिसोड वन में मैंने अपना वाटर बकेट ख़राब कर दिया था, तो गाइस मैं वाटर लेने के लिए मैं सोच रहा था कोल्ड्रन बनाऊँ। और फिर मैं देखता हूँ कोल्ड्रन के लिए हमें कितने आयरन चाहिए, फिर मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया और मैंने फाइनली कोल्ड्रन बना लिया। बारिश तो हो ही रहा था, मैं सोचा जल्दी कलेक्ट हो जाएगा, तो गाइस वो तब भी कलेक्ट होगा, जब भी होने दो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। और गाइस फिर मैंने थोड़ा हाउस का थोड़ा बहुत काम शुरू किया। यहाँ पे भी मुझे फिर से थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि गाइस पिछली बार जो हुआ बहुत अजीब सा, वैसे तो वो मॉब की वजह से हुआ, ऐसे बार बार थोड़ी होगा मेरे जैसे प्रो प्लेयर के साथ। तो उसके बाद फिर मैंने हाउस थोड़ा बहुत बनाया और वापस ग्राइंड ग्राइंड 50 बार से ज़्यादा मैं बोल चुका हूँ इस वीडियो में। उसके बाद मुझे एमिथिस्ट वगैरह मिला, एक बनी दिखा मुझे। और गाइस फिर माइन करते करते मैंने और टूल्स बनाए, और आप देख सकते हैं मेरे पास 64 कॉपर हो गया। मुझे एक और काऊ मिला, पहले एपिसोड वाले काऊ गायब है अभी तक, उससे मैंने उसका पोस्टर वगैरह छपवाए अभी तक वो मिली नहीं, पता नहीं। और फिर एक स्पाइडर वगैरह मिली, उसे मैंने मारा। और फिर मैंने थोड़े फेंस वगैरह से अपना एरिया कवर किया, एरिया कवर करते करते मुझे एक मशरूम काउ गाइस मिले थी वहां पे, और भाई मैंने उसे धक्का ही दिया। वाह, उसे धक्का देने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर से ज़ॉम्बी वगैरह आए थे। और फिर मैंने नॉर्मली ग्राइंड किया और मेरा हाउस थोड़ा और कंप्लीट कर लिया मैंने, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने सोचा हाउस का छत तो इस एपिसोड के एंड तक बनाएंगे, फिर मुझे एक मशरूम काऊ मिला जो मैंने बचा लिया। मेरा वीट उग गया था तो वहाँ का वीट मैं ले आया, और उस मशरूम काऊ को मैंने वहाँ फेंस के अंदर ले जाके ट्रैप कर दिया, या जो भी आप बोलते हो, मैंने उसे वहाँ जाके रख दिया। उसके बाद गई मुझे गोल्डन कैरेट्स वगैरह भी बहुत मिले थे, और फिर मैं गई उसका जो मेरे घर का छत है वो मैं रॉक से बनाता हूँ, कॉबलस्टोन से, और फिर वो अच्छा खासा बन जाता है। और मैं थोड़ा बहुत फार्मिंग करता हूँ, और गाइस वही नॉर्मल चलता है सब कुछ, मैं आयरन वगैरह बनाता हूँ। आयरन के टूल्स ने मुझे अपना फाइनली अपना गोल्ड मिल गया था। तो गाइस अगले एपिसोड में क्या होगा ये देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो पहले तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगले एपिसोड के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि कि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अगर मैं बीच में दूसरे गेम्स भी डालूंगा तो सारे गेम्स के लिए तैयार रहो, सारे गेम्स देखो, सब में मजा आता है यार, सिर्फ एक ही गेम को मत देखते रहो, सारे गेम्स। तो गाइस आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।